राजनांदगांव वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव के दौरे पर थे। मंत्री मोहम्मद अकबर के जिले प्रवास को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव के दौरे पर थे। मंत्री मोहम्मद अकबर के जिले प्रवास को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मोहम्मद अकबर अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजनांदगांव स्थित न्यू सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात की। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल में मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के रायपुर आगमन को लेकर राजनांदगांव में यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नई सरकार को लेकर कहा कि सरकार तो नई है, लेकिन पिछली सरकार से हटकर कुछ काम करेंगे। संसदीय सचिवों के मामले में कहा कि वो खुद याचिका करता थे। माननीय न्यायालय ने कहा कि सभी सचिव कार्य कर सकते हैं, लेकिन मंत्री के रूप में नहीं कर सकते। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं, उन्हीं को अमल करने में अभी सरकार लगी हुई है। राहुल जी का आगमन है 28 तारीख को, और उसके लिए कांग्रेस जनों को उनसे मुलाकात करके उनको आमंत्रित करना है। अधिक से अधिक कांग्रेस जन और अन्य लोग रायपुर के कार्यक्रम में राहुल जी के आएँ, उसकी तैयारी के सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, कांग्रेस को विजयी बनाया, उनका आभार व्यक्त करने के लिए राहुल जी आ रहे हैं, और इसमें सबकी भागीदारी हो ऐसा हम लोग चाहते हैं, जिसके तैयारी के सिलसिले में यहाँ आना होगा। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार, कुछ नया क्या देखने मिलेगा? अब नई सरकार का सब नया काम तो होता ही है, इनसे अलग हटकर कुछ करने का प्रयास हम लोग करेंगे। जी, खैरागढ़ में एक मामला आया था, वन विभाग में भाजपा की सरकार थी, पहले कार्रवाई होती नहीं थी, अब कांग्रेस की सरकार आ गई है, वहाँ ऐसी मतलब काम में जेसीबी और ट्रैक्टर इस तरीके से काम करवा के लाखों रुपये खर्चीवाड़ा किया गया, बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये तो सब पुराने मामले हैं, यदि पुराने मामले के संबंध में भी कोई इस प्रकार की जानकारी देगा तो कार्रवाई। पर्यावरण के मामलों के लेके 5 उद्योगों पे कार्रवाई हुई थी और बिजली फिर से लग गई। पर्यावरण के मामले में कुछ नॉर्म्स होते हैं, यदि वो नॉर्म्स पूरा नहीं होता तो कार्रवाई होती है, और यदि वो नॉर्म्स पूरा कर देते हैं तो फिर कार्रवाई समाप्त हो जाती है। और आने वाले समय खुलने की बात सामने आ रही, क्या इस प्रकार की कोई बात नहीं है। एक याचिका हाईकोर्ट में किसी ने लगाई है कि मध्य प्रदेश में बैरियर प्रारंभ हो गया है और यहाँ पे भी प्रारंभ होना चाहिए, तो वो याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, अब न्यायालयीन मामला है, इसलिए उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। संसदीय सचिव बनाएंगे क्या कांग्रेस के? संसदीय सचिव के मामले में मैं खुद याचिका करता था, और जब हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने ये कहा कि संसदीय सचिव काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि वो काम कर सकते हैं लेकिन मंत्री के रूप में नहीं कर सकते। तो यदि संसदीय सचिव मंत्री के रूप में काम नहीं करते हैं, इसका मतलब वो काम कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अभी फिलहाल इस बारे में विचार नहीं करना। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, ACN24।